हेलो दोस्तों, आपका दोस्त मोहम्मद समीर आपके अपने यूट्यूब चैनल जख्मी परिंदा में एक बार फिर आपका स्वागत करता है। दोस्तों, हम बात करते हैं कल लगाए गए जनता कर्फ्यू के बारे में। भारत के कई राज्यों में शांतिपूर्ण तरीके से ये सुबह 7 बजे से रात के 9 बजे तक रहा, मगर कुछ राज्यों की फुटेज और व्हाट्सएप पे हमारे पास वीडियो आई हैं जहाँ पर लोगों ने इसका उल्लंघन किया और जिसकी वजह से पुलिस को काफ़ी कड़ी मेहनत करना पड़ी और पुलिस को कई जगह तो लाठीचार्ज भी करना पड़ा। हालांकि होता क्या है कि जब गवर्नमेंट की तरफ से 4-5 दिन पहले इसका इन्फॉर्मेशन दे दिया गया था पूरे भारतवर्ष को कि आप अपने घरों से ना निकलेंगे 22 मार्च को, जो भी काम है पहले निपटा लीजिएगा, खाने का जो भी राशन है, जो भी चीज़ें ज़रूरत होगी वो अपने घरों में पहले रख लीजिए, मगर लोगों ने इसको इग्नोर किया और फिर 22 मार्च को अपने घरों से निकले, जिसकी वजह से पुलिस ने उनको समझाया, नहीं माने तो उनके ऊपर डंडे भी फहराए, लाठियाँ भी फहराई और उनको वापस ले जाएगा। आइए नजर डालते इन वीडियो पर। अब नज़र डालते हम उन वीडियो पर जिसका समर्थन लोगों ने किया। दिल्ली के उत्तम नगर इलाके में लोगों ने इसका समर्थन किया, अपने घरों से निकले, बर्तन बजाए, थालियां बजाई, ताली बजाई और लोगों को संदेश दिया, कहते हैं कि कोरोना वायरस का इन चीज़ों पर इन चीज़ों का गहरा असर पड़ता है। अगर हम थालियाँ बजाते हैं, ताली बजाते हैं या फिर कोई और चीज़ साउंड होना चाहिए जिससे कोरोना वायरस भाग जाता है या ख़त्म हो जाता है, तो लोगों ने ऐसा ही किया अपने घरों से निकल कर। आइए नजर डालते इन वीडियो पर। दोस्तों, हमें ज़रूरत है सतर्क रहने की, अपने घरों के अंदर रहने की, ज़्यादा आवाजाही नहीं करनी, क्योंकि जितना हम ज़्यादा मार्केटों में जाएंगे, जितना घूमेंगे, उतना ही ये ज़्यादा पनपता है और इसके ज़्यादा फैलने की ही वजह जो होती है वो यही होती है कि हम मार्केट में जाएंगे और ये फैलेगा। जो गलतियाँ अंग्रेज लोग कर रहे हैं और उसका भुगतान वो भुगत रहे हैं वो हमें नहीं करनी, हमें अपने घरों में ही रहना है। बहुत रेयर चांस में, बहुत ज़्यादा अर्जेंट किसी काम से अगर जाना पड़े तो घर का एक ही सदस्य जाए, वो अपने काम सारे निपटा के आए, बाहर ज़्यादा लोग घर से ना निकले। हम यहाँ पर जितना ये पहला ऐसा काम है जिसमें हम अगर खामोश रहेंगे, घर में रहेंगे तब जीतेंगे, ये पहली ऐसी जगह जो बैठ के जीती जाएगी ना कि घर से निकल के, तो घर से ना निकले बेहतर रहेगा हमारे लिए।